हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 8 नऊ दे बैच के जो हम आरएस अग्रवाल जो स्टैंडर्ड बुक है उसके सॉल्यूशंस कर रहे थे उसकी एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आज के हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, कुछ रैशनल नंबर्स के पेयर हमारे को गिवन है, चार चार रैशनल नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं, इनको हमें क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले आएगा और सबसे जो लोएस्ट नंबर होगा वो सबसे बाद में लिखना है, यानी कि जो बड़े से छोटे की तरफ जो नंबर होगा वो होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इस सभी के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है। तो हमें क्या करना है, सबका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ रहा है सबका, 1 6 माइनस 3 और मतलब 3 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6। यानी सबके डिनोमिनेटर्स को हमें क्या करना है, 6 के इक्वल बनाना है। तो देखो, इस 1 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर बन गया -12, नीचे बन गया 6। फिर ऐसे ही -13/6 है, तो इसको तो कुछ करना ही नहीं, आप चाहो तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, -13/6 है, ऐसा कैसे। फिर ऐसे -8/-3 है, तो इसको हमें क्या बनाना है, 6 बनाना है एलसीएम के बराबर। तो माइनस के 3 को क्या करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी माइनस माइनस प्लस होगा, 3 2 6 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही फिर न्यूमिनेटर को भी -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा -6 और -16 और नीचे आ जाएगा 3 2 6 और -+6 हो गया। फिर अगर बात करें हम लोग 1/3 की, तो 1/3 को बनाने के लिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी, ऊपर यानी न्यूमिनेटर को, नीचे यानी डिनोमिनेटर को, तो ये बन गया 2/6। अब हमें कंपेयर करना है, और सबसे पहले तो कंपेयर करना है और उसके बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे बड़ा क्या होगा। तो जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा, वो वाला रैशनल नंबर सबसे बड़ा। तो देखो यहाँ पे -12, -13, -16 और 2, इसमें सबसे बड़ा क्या है, 2, क्योंकि पॉजिटिव है। तो 2/6 क्या होगा, सबसे बड़ा, उससे स्मॉलर क्या होगा, उससे छोटा न्यूमिनेटर। तो देखो -12, -13, -16 में नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा, यानी कि सबसे बड़ा एक्चुअल में इनमें कौन सा है, -12/6। फिर उससे बड़ा क्या होगा, मतलब उससे छोटा क्या होगा, -13/6। फिर उससे छोटा क्या होगा, -16/6। और ओरिजिनल फॉर्म में लिखे तो ये कितना था, 2/6, 1/3 था। फिर उससे छोटा कितना होगा, -12/6, यानी कि -2 होगा। फिर उससे छोटा क्या होगा, -13/6, यानी -13/6, ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर उससे छोटा क्या होगा, -16/6 था, जो कि कितना था, 8/-3। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे आप लोग जब एलसीएम लोगे तो वो 60 निकल के आएगा, तो सबके डिनोमिनेटर्स को हमें क्या करना है, 60 के बराबर बनाना है। -3/10 को भी 60 बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -3 को भी 6 से करना पड़ेगा, तो ऊपर -18 हो गया। ऐसे ही हम बात करें अगले को, -15 को 60 बनाना है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होके 4 60 हो जाएगा। तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, -4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर बन गया -28। ऐसे ही अगर हम बात करें, -11/20 को हमें क्या बनाना है, 60 नीचे, तो 20 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इधर भी 3 से क्या करना पड़े, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर बन जाएगा -33। ऐसे ही 17/-30 को, मैं यहाँ 30 को 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस, 32 जा 60, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर बन गया -34। अब हमें कंपेयर करना है, जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो रैशनल नंबर सबसे बड़ा होगा, फिर उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखो, जिसका सबसे बड़ा न्यूमिनेटर है, जिसका नेगेटिव में सबसे छोटा है, वो सबसे बड़ा होगा। तो -18/60 ये सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा क्या होगा, -28/60, फिर उससे छोटा क्या होगा, -33/60, फिर उससे छोटा क्या होगा, -34/60। और ओरिजिनल फॉर्म में लिखे, -18/16 कितना था, 60 कितना था, -3/10, फिर -28/60 कितना था, 7/-15, फिर उससे छोटा -33/60 वो कितना है, -11/20, फिर उससे छोटा कितना, -34/60, जो कि कितना था, 17/-30। तो ये हमारा क्या हो गया,
डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या कर दिया, इसको अरेंज कर दिया। तो इन दोनों को नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग बाकी के दो क्वेश्चन हैं उनको भी सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को भी देखते हैं। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 9 के जो बाकी के दो क्वेश्चन हैं उनको भी देखते हैं। तो क्या पहले है, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चार हमारे को रेशनल नंबर्स दे रखे हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है हमारे को। तो सबसे पहले एलसीएम फाइंड करूँ, तो जब इसका एलसीएम निकालोगे तो देखो 72 निकल के आएगा, आप करके देख लेना। तो अब हमें क्या करना है, इन सबको के डिनोमिनेटर्स को 72 के बराबर बनाना है। माइनस 5 अपॉन 6 को 72 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर न्यूमिनेटर को भी 6, माइनस 5 को भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर बन जाएगा माइनस का 60। ऐसे ही माइनस 7 अपॉन 12 में इसको 72 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 6 से, तो ये ऊपर बन जाएगा माइनस का 42। ऐसे ही माइनस 13 अपॉन 18 है, तो इस 18 को हमें क्या बनाना है, 72, तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 13 को भी 4 से, तो ये बन जाएगा माइनस का 52। ऐसे ही 23 अपॉन माइनस 24 है, तो इस 24 माइनस के को 72 बनाना है, तो माइनस 24 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये माइनस के 3 से करेंगे तो माइनस का 69 हो जाएगा। अब हमारे को इनको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, जो सबसे बड़ा होगा, तो जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा है, जो सबसे बड़ा होगा, मतलब न्यूमिनेटर सबसे बड़ा किसका है, माइनस 42, जो कि नेगेटिव में सबसे छोटा है इसलिए सबसे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा माइनस 42 अपॉन 72, उससे छोटा क्या होगा, ये माइनस 52 अपॉन 72, फिर उससे छोटा होगा माइनस 60 अपॉन 72, फिर माइनस 69 अपॉन 72। अब इनको ओरिजिनल फॉर्म में लिख देते हैं, माइनस 42 अपॉन 72 कितना था एक्चुअल में, माइनस 7 अपॉन 12 था, फिर उससे छोटा क्या होगा, 52 माइनस 52 अपॉन 72 जो कितना था, माइनस 13 अपॉन 18 है, फिर उससे छोटा क्या है, माइनस 60 अपॉन 72 जो कितना है, माइनस 5 अपॉन 6 है, और उससे छोटा कितना, माइनस 39 अपॉन 72, तो वो कितना हो गया, 23 डिवाइड बाय माइनस का 24। तो ये हमने क्या कर दिया, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 11, 22, 33 और 44 इनका हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तो मैं यहाँ लेके बता रहा हूँ, 11, 22, 33, 44। तो सबसे पहले तो देखो ये तीनों के तीनों में 11 से डिवाइड हो रहा है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। अब 2 से करके देख लेते हैं, 1 1 3 2, अब 2 से करेंगे 1 1 3 1, और यहाँ होगा 3 से 1 1 1 1। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई कि मैंने जल्दी जल्दी किया है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 132। तो इनका जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना आएगा, 132। तो हमें सबके डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, 132 के इक्वल बनाना है। तो माइनस 10 अपॉन 11 इसको भी 132 बनाना है, माइनस 19 अपॉन 22 में इसको भी क्या बनाना है, 132 बनाना है, और ऐसे ही माइनस 23 अपॉन 33 में भी हमें क्या करना है, इसको 132 बनाना है, और यहाँ एक और मैं बना देता हूँ, माइनस 39 अपॉन 44 में इसको भी हमें क्या बनाना है, 132 बनाना है। तो देखो 11 को 132 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमिनेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाने के लिए, तो ऊपर कितना हो गया, माइनस का 120 हो गया। इसको वो बनाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, अगर 6 से करें तो ये इतना बन जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 6 2 जा 12 का 2 कैरी कितना आया, 1, 6 2 जा 12 और 1 13, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 19 6 जा कितना होता है, माइनस का 114 हो जाएगा। ऐसे क्या होगा, 33 को ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 4 से, ठीक है। तो देखो 4 3 जा 12 का 2 कैरी कितना आया, 1, 4 3 जा 12 और 1 13, तो माइनस 23 को भी क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा कितना हो गया, 12 का 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, यानी माइनस का 92 हो गया। फिर यहाँ पे इसको इससे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका क्या होगा, देखो ऊपर 3 9 जा 7, 27 का 7 केरी 2 आया, 3 3 जा 9 और 2 11, यानी माइनस का 117 अपॉन 3। तो अब सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, जिसका न्यूमिनेटर क्या हो, नेगेटिव में सबसे छोटा हो, सबसे बड़ा हो जाएगा, तो नेगेटिव में सबसे छोटा इसका है, तो माइनस 92 अपॉन 132, फिर उससे बड़ा क्या होगा, ये होगा माइनस 114 अपॉन 132, फिर सॉरी उससे छोटा,
ठीक है, फिर उससे छोटा क्या होगा, माइनस 117 अपॉन 132, फिर उससे छोटा हो जाएगा माइनस का 120 अपॉन 132। अब जिसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखोगे, माइनस 92 अपॉन 132 कितना था, माइनस 23 अपॉन 33 था, फिर उससे छोटा माइनस 114 अपॉन 132 कितना था, ये था माइनस 19 अपॉन 22 था, और उससे छोटा क्या आएगा, माइनस 117 अपॉन 132, तो कितना आएगा, ये होगा माइनस का 39 अपॉन 44, और उससे छोटा क्या हो जाएगा सबसे लास्ट में, माइनस का ये था माइनस 10 अपॉन 11। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसे भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो हमें बताना तीन स्टेटमेंट्स गिवन है, उसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो अगर हमारे को जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो अगर अच्छे से आते होंगे तो हम कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। तो क्या बोला, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। अब देखो, रैशनल नंबर होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि वो पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और होल नंबर क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ये होल नंबर्स होते हैं। तो हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबके नीचे क्या लगाना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा। मतलब जितने भी होल नंबर्स हैं उनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसने ये बोला बिल्कुल सही तो बोला है कि एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। हाँ, रैशनल नंबर होता है तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, रैशनल नंबर यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। और इंटीजर्स क्या होते हैं, मैं यहाँ बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। इंटीजर का मतलब होता है जैसे यहाँ पे -3, -2, -1 या आगे भी होंगे, इधर -4, -1 आगे तक, 0, 1, 2, 3 ये हमारे पास इंटीजर्स है। सबके नीचे 1 लगा दो तो पी बाई क्यू की फॉर्म में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए पी बाई क्यू की फॉर्म में। और पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट अगर सबको किया जा सकता है तो हम बोल सकते हैं सारे के सारे इंटीजर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर भी होंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल ट्रू है। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर है 0 इज अ होल नंबर, ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है कि 0 एक होल नंबर होता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, बट इट इज नॉट ए रैशनल नंबर। क्या 0 रैशनल नंबर नहीं होता, 0 रैशनल नंबर होता है। देखो 0 के नीचे 2 लगा दो, क्या बन गया, पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ध्यान रखना यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 नहीं लगाना, ये हमारी कंडीशन ही होती है। पी बाई क्यू का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ डिनोमिनेटर 0 थोड़ी ना, न्यूमिनेटर 0 है ना, वो तो हो सकता है। तो आप चाहो तो इसको 0.10 बना लो, ठीक है, 0.1 बना लो। पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखना चाहिए, और यहाँ पी बाई क्यू की फॉर्म में ये तीनों के तीनों दिख रहे हैं, तो इसको रैशनल नंबर बनाया जा सकता है। तो इसने जो बोला है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है बिल्कुल। लेकिन ये आगे बट लगा के आगे लिखा है ना यहाँ पे, बट इट इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, तो ये गलत हो गया, इसलिए हम बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। आई होप आप लोगों को ये तीनों भी समझ में आ गए होंगे, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1A है ये भी फिनिश हो जाती है। आगे के लेक्चर्स में हम लोग बाकी की एक्सरसाइज को भी सोल्व करने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप बता सकते हो। इसके साथ ही अगर आप अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।